हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डाउट नट में। देखिए, एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया है। SBI ने अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। 700 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ रखी हैं। तो जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में हम देखेंगे। गवर्नमेंट ने हर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे अप्रेंटिसशिप स्कीम का शुभारंभ कर दिया है और कई सारी अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी आ चुकी है। उसी सिलसिले में SBI ने भी अप्रेंटिसशिप निकाली है और ये 700 वैकेंसीज हैं। ये डिफरेंट स्टेट वाइज वैकेंसीज इनने निकाल रखी है। तो देखिए, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप में हमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप इनरोल होंगे और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर NAPS, ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप के लिए ही प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। और इसी के अंदर ही SBI ने भी अप्रेंटिसशिप निकाला है। तो देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या डेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे ले रखा है शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर बेसिकली मैंने शो कर रखा है आपको कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो रहा है और कब हमारे एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा। यहाँ पे देखिए, बेसिकली SBI ने अप्रेंटिसशिप के लिए आपसे एक एग्ज़ाम लेगा, रिटर्न एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दे रखी है 17/9, यानी कि आज से ये चालू हो रहा है 17 सितंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट इसके लिए कब है, 6/10, 6 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो आपको 6 अक्टूबर के पहले ये फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको देखिए, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में सीखने के लिए मिलेगा और आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। ये बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप है, ये 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए। कुछ यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता है। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे कितना स्टाइपेंड मिलेगा और क्या पर्क्स मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये एग्ज़ाम लेने वाला है, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो कॉल लेटर के लिए इन्होंने डेट दे रखी है। तो देखिए, ये दे रखा है 15/10। यहाँ पर एक ही स्टेज का होता है एग्ज़ाम। ये बेसिकली एक स्टेज में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे और एग्ज़ाम का देखेंगे हम पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और देखिए, यहाँ पर डेट भी दे रखा है 23 अक्टूबर, ओके। तो 23 अक्टूबर ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का आपको एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा 15 तारीख को, आ जाएगा 15 अक्टूबर को, और 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, हमने ये चीज़ देख ली। हम देखते हैं सिलेबस इसका क्या है, कैसे हमें एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, ओके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने डिस्कस किया है। यहाँ पर बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न में इन्होंने 4 सब्जेक्ट आपके लिए ले रखे हैं। देखिए, पहला सब्जेक्ट है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, ये 100 क्वेश्चंस है, 25 25 25 चार सेट में यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देखिए, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बेसिकली जो बैंकिंग में पूछा जाता है वही पैटर्न फॉलो किया है SBI ने। और यहाँ पर आपको बेसिक जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट जो पढ़ते हैं आप रीजनिंग के लिए, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा आएगा, ठीक है। सबके 25-25 क्वेश्चंस हैं। और देखिए, मार्क्स भी यहाँ पर दे रखा है कि 25-25 मार्क्स के हैं, ओवरऑल 100 मार्क्स का है। और ड्यूरेशन भी दे रखा है, जैसा कि SBI अभी तक देता आया है, 1 घंटे की, ठीक है। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि पैटर्न SBI पहले क्लर्क के लिए और अपनी वैकेंसीज के लिए रखता है, वैसा ही रखेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ ध्यान रख के देनी है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं और निगेटिव मार्क्स ले लेते हैं, तो आपका सलेक्शन होने वाला भी होता है, तो सलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर बाई लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश का पेपर बस इंग्लिश में आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेंगी। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स के बारे में दे रखा है, बाकी यहाँ पर आप SBI ही कट ऑफ डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। और जनरल से आपको बाकी, आप अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि SBI जो कि नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आएंगे, जो कि आप अदर एग्ज़ाम्स पे देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात करूँ, तो मैंने कहा आपसे कि स्टेट वाइज यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर देखिए, हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में दिए हुए हैं, ये सिटीज़ हैं उनकी, ठीक है। और आपको बेसिकली मैंने कहा, इस एग्ज़ाम के बाद अगर आप उस लोकल लैंग्वेज, जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह पर आप करना चाहते हैं ये अप्रेंटिसशिप, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप के 10th मार्कशीट पे या फिर 12th, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ पर, अगर आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज, सपोज आप हिंदी जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपने अगर हिंदी पढ़ रखा है तो आपको कोई लोकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर
आप पंजाब से अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपको पंजाबी एंड हिंदी में से कुछ भी नहीं आता है, तो आपको एक लोकल टेस्ट देना होगा जो आपकी, आप सपोज आपने 10th पे नहीं रख रखा है पंजाबी या हिंदी नहीं है, तो आपको वहाँ का एक हिंदी या पंजाबी के लिए एक लोकल टेस्ट लेंगे इस रिक्रूटमेंट के बाद, ठीक है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो बिल्कुल आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्टेड हैं आप। ओके, देखिए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन 3 स्टेट्स के लिए बेसिकली है। देखते हैं और इस पे क्या है, और क्या क्या चीज़ें SBI ने बता रखी हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ जाते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यहाँ पर मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए, और ये कब तक के लिए है, 31/8/2019 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म। तो जो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए, और ये अपॉर्चुनिटी देखिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। परमानेंट जॉब तो मैं नहीं कहूँगा, परमानेंट जॉब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा, आप समझ पाएंगे वर्क कल्चर कैसा होता है। तो देखिए अब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग रखा है, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये ड्यूरेशन मैंने आपको कहा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है ये 1 ईयर का है, ठीक है, 1 ईयर आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन पे रहेंगे, और इस टाइम पे आपको कुछ, मैंने कहा आपको इमोल्यूमेंट्स भी मिलेंगे, कुछ पैसे पर मंथ स्टाइफंड के रूप में मिलेंगे, देखते हैं वो कितने मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि पैसे कितने वाले मिलने वाले हैं, एक डिसेंट सा अमाउंट होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होते, तो आपको एक डिसेंट सा अमाउंट मिलता है जिसपे आप रह सकते हैं, बस आपको सीखने का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इनको मिला के टोटल 700 वैकेंसीज बनती हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक स्नैपशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सीट्स देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर स्टाइफंड प्रोवाइड किया जा रहा है 8,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, अमाउंट थोड़ा सा कम है, बट कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि SBI एक रिप्यूटेड बैंक है अपने इंडिया में, वहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे शेयर करनी थी तो वो मैंने की है। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस और भी बना रखे हैं, IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए भी अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भी देखिए आज भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, आप प्ले लिस्ट पर जाएँ, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं, सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी, ये जो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया ये सारा चीज़ें आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिलेंगी, हम सारा कुछ प्लान कर रखे हैं, और आपको धीरे धीरे एक ट्रिक्स के भी मिलती जाएंगी, क्लासेस भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेली हमारा करंट अफेयर आता है, आप उसको भी ध्यान दें और ज़रूर देखें, क्योंकि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने आपसे एक सेक्शन डिस्कस किया, आप अगर हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, और हर एग्ज़ाम पे कोई भी बैंकिंग का हो या फिर SSC का हो, हर एग्ज़ाम पे आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको पता है अगर आप करंट अफेयर करते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।